हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक गुरु में। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाला हूं जिसे इन्वेस्टमेंट का बाइबल कहा जाता है। मेरे दोस्त, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं और अगर इस बुक को नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि आपका एजुकेशन अधूरा रह गया। तो मेरे दोस्त, उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ मेरे दोस्त, आखिर इन्वेस्टमेंट करने वाला शायद ही कोई बंदा होगा जो इस बुक के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस बुक की यह खासियत यह है कि इसे सब लोग आसानी से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यह बुक थोड़े कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया है। कंपनी का एग्जांपल या और सारे चीज़ को दिया गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा और इसके आगे मैं आपको इस बुक का सारा चैप्टर, इसमें 20 चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर को मैं पार्ट वाइज करके एक एक वीडियो देते रहूँगा और इस बुक को पूरी तरह से कम्प्लीट करा दूँगा। तो मेरे दोस्त, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्त, अगर आप इस बुक को मिस करते हैं तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और मेरे दोस्त, इससे भी बड़ा भूल होगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि अक्सर मैं आपको फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट तथा इसी तरह के और भी लाइफ चेंजिंग वीडियो देते रहता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत रेड वाला बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आज बात करने वाला हूं बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, क्योंकि इस बुक के इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस बुक का नाम, सबसे पहला जो क्वेश्चन यही आता है कि आखिर इस बुक का नाम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्यों रखा गया है। तो मेरे दोस्त, इस बुक में क्लियरली लिखा गया है कि इंटेलिजेंट का मतलब यहां पे आईक्यू नहीं होता है, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा आईक्यू है वही केवल इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकता है, क्योंकि आपको इसी बुक में पढ़ने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले न्यूटन, यानी कि सर आइजक न्यूटन, जो बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट माने जाते थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाने जाते हैं जहाँ उनको काफ़ी लॉस होता है और इसके बाद से वह शेयर मार्केट का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार वॉरेन बफेट, जिन्होंने कभी कॉलेज में बहुत ज़्यादा हाई फाई डिग्री नहीं ली, आज वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है शेयर मार्केट में पैसा लगा करके। तो इस बुक में डायरेक्टली लिखा है कि यहां पे इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो डिसिप्लिन्ड हो, एक ऐसा पर्सन जिसके पास पेशेंस हो, एक ऐसा पर्सन जो कि ओपन माइंडेड हो। जी हां मेरे दोस्त, ये तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मतलब कि वैसा पर्सन जिसके पास डिसिप्लिन हो। जी हाँ मेरे दोस्त, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंट का मतलब कि वह ओपन माइंडेड हो, मतलब ईगर टू लर्न, वह सीखने के लिए हमेशा इच्छुक रहता हो। और मेरे दोस्त, जो इंटेलिजेंट का नेक्स्ट मीनिंग है इस बुक में, वह है मेरे दोस्त उस इंसान के पास पेशेंस है। तो यही तीन चीज़ मतलब होता है मेरे दोस्त, और इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई क्यू से नहीं है। इंटेलिजेंट का ताल्लुक यहाँ पर आपके आई क्यू से नहीं है कि आपका आई क्यू कितना है। तो मेरे दोस्त, चलिए इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आखिर इस बुक का नाम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्यों पड़ा। अब मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्त कि इस बुक में इन्वेस्टर को दो भागों में बांटा गया है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू दिस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, जो इस बुक में इन्वेस्टर का फर्स्ट टाइप है, जो पहला टाइप है इन्वेस्टर का, वह है डिफेंसिव इन्वेस्टर। जी हाँ, वह है कौन सा इन्वेस्टर? डिफेंसिव इन्वेस्टर, या इसी को कहा जाता है पैसिव इन्वेस्टर। और मेरे दोस्त, जो सेकेंड टाइप है इन्वेस्टर का, वह है अग्रेसिव इन्वेस्टर, या उसको बोला जाता है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, या इसको बोला जाता है एक्टिव इन्वेस्टर। तो मेरे दोस्त, मैं इसे डिफेंसिव इन्वेस्टर और इंटरप्राइज इन्वेस्टर कह के अक्सर बुलाऊंगा। तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर को यहाँ दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा हो गया मेरे दोस्त इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। तो मैं अब बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर दो तरह के जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है। तो मेरे दोस्त, चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आखिर डिफेंसिव इन्वेस्टर किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, इस बुक के जो राइटर हैं, जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम, उनके अनुसार एक ऐसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा समय नहीं देना चाहता है, जो अपना दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता उसके बारे में ये एनालिसिस करके, उसके बारे में रिसर्च करके, मतलब वह इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा समय नहीं देना चाहता है, लेकिन वह शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहता है, मतलब ज़्यादा टाइम और माइंड नहीं लगाना चाहता है, मतलब वह प्रयास करने से, एफर्ट से बचना चाहता है। तो उस प्रकार के इन्वेस्टर को बेंजामिन ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर कहा है, मतलब वह ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है इसके ऊपर। और मेरे दोस्त, जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है, इसका एक और खासियत होता है कि यह चाहता है कि मेरा मेहनत कम से कम हो, और साथ ही साथ यह भी चाहता है कि मेरा लॉस भी कम से कम हो। जी हाँ मेरे दोस्त, तो ये था हमारा कि हु आर डिफेंसिव इन्वेस्टर, मतलब डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर बेंजामिन ग्राहम ने इंटरप्राइज इन्वेस्टर किसे कहा है, अग्रेसिव इन्वेस्टर भी जिसे कहते हैं, आखिर वह किसे मानते हैं कि यह अग्रेसिव इन्वेस्टर है या इंटरप्राइज इन्वेस्टर है। तो मेरे दोस्त बेंजामिन ग्राहम के अनुसार एक ऐसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग पे मतलब जब इन्वेस्ट करने लगे उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करता है, वह कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और एक एक डाटा को एनालाइज करता है मेरे दोस्त, मतलब वह काफ़ी मेंटली एफर्ट करता है, काफ़ी मेंटली प्रयास करता है और इसके बाद वह टाइम भी बहुत काफ़ी देता है तब जा करके वह किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मतलब वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है सिलेक्शन करने में, शेयर को सिलेक्ट करने में। तो इस प्रकार के इन्वेस्टर को इंटरप्राइज इन्वेस्टर कहते हैं। तो मेरे दोस्त अभी आप जैसा कि देख सकते हैं जहाँ डिफेंसिव इन्वेस्टर मेहनत करने से डरता है या कतराता है, वहीं इंटरप्राइज इन्वेस्टर कितना ज़्यादा मेहनत करता है अपने शेयर को खरीदने में। तो यह तो लाजमी है कि ज़्यादा फ़ायदा भी इंटरप्राइज इन्वेस्टर को ही होगा क्योंकि वह बहुत सोच समझ के शेयर खरीदता है। तो यह आपको डिसाइड करना है कि आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं कि इंटरप्राइज इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर तो अभी मैंने बताया जो मेहनत नहीं करना चाहता हो, एक लाइन में अगर कहें तो, और इंटरप्राइज इन्वेस्टर का मतलब होता है मेरे दोस्त कि जो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी एनालिसिस करके, काफ़ी रिसर्च करके शेयर को बाई करता है, मतलब खरीदता है। तो उसी प्रकार मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह इंटरप्राइज इन्वेस्टर ही बहुत मात्रा में प्रॉफिट भी कमाते हैं क्योंकि ये काफ़ी मेहनत करके शेयर को, सही शेयर को खरीदते हैं। तो इसी प्रकार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्त मैंने आज आपको बताया कि आखिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का क्या सीक्रेट है और इसका नाम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्यों पड़ा, तथा साथ ही साथ यह भी बताया कि इस बुक में हमें दो टाइप के इन्वेस्टर के बारे में पढ़ना है जिसमें पहला आ गया आपका डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा आ गया इंटरप्राइज इन्वेस्टर। तो इस तरह से मेरे दोस्त मैं आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा और इसके बाद मैं कल इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहूंगा और इस वीडियो को तब तक जारी रखूंगा जब तक यह बुक मैं आपको कंप्लीट न करा दूं, आपको शेयर मार्केट का मास्टर न बना दूं, शेयर मार्केट का किंग न बना दूं। तो मेरे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ अंत तक बने रहें जब तक आप इन्वेस्टिंग पर महारत हासिल न